हेलो दोस्तों, लर्न बेसिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर एमएस वर्ड में कोई टेबल दी हुई हो तो उसको हम हाइड कैसे करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सामने एमएस वर्ड का पेज ओपन है और यहाँ पर मैंने कुछ डेटा प्रिपेयर किया हुआ है और इसके चारों तरफ एक टेबल क्रिएट की हुई है। ठीक है, तो इस टेबल को हाइड करने के लिए अपना कर्सर जब आप यहाँ ले जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में टॉप में आपको इधर दिखेगा एक प्लस का साइन। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये देखिए, प्लस का साइन दिख रहा है, इसको क्लिक करिए तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको हाइड करना है तो हमें होम सेक्शन में जाना होगा। ये देखिए, ऊपर कई सारे ऑप्शन आपको दिखते हैं, तो पहला वाला ऑप्शन हमें लेना है होम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आना है, ये देखिए बॉर्डर का ऑप्शन दिखेगा तो इस पर क्लिक कर दीजिए और फिर ये देखिए नीचे आपको दिखेगा नो बॉर्डर। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये देखिए नो बॉर्डर, यहाँ पर जाना है इस पर, इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, तो ये नो बॉर्डर का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सारे बॉर्डर हट गए। ये देखिए, अब यहाँ पर कोई भी बॉर्डर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे बॉर्डर यहाँ से हटा सकते हैं या हाइड कर सकते हैं। जो भी टेबल वगैरह आपने क्रिएट की है सब हाइड हो जाएगी। ठीक है, अब अगर आपको दोबारा से टेबल चाहिए तो कुछ नहीं करना, फिर सिंपल उसी तरीके से यहाँ पर क्लिक करिए, सारा डेटा आपका सेलेक्ट हो जाएगा। इसी ऑप्शन पर जाइए और यहाँ पर जा करके ये देख ऑल बॉर्डर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर दीजिए तो सारा बॉर्डर वापस आ जाएगा। तो इस तरह से आप टेबल जो क्रिएट की हुई है एमएस वर्ड पर उसका बॉर्डर हटा सकते हैं, वापस ला सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।